तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महासमुंद जिले के मुड़ीपार गांव की रहने वाली इंदु निषाद ने, जिनका चयन मेडिकल एमबीबीएस के लिए हुआ है। तमाम तरह की आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए इस लड़की ने हार नहीं मानी और उसी का नतीजा है कि नीट की परीक्षा में 720 में से 563 अंक प्राप्त करके एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अपनी जगह निश्चित कर ली है। इंदु के पिता तुलाराम निषाद और माता मथुरा निषाद मजदूरी करते हैं। इंदु निषाद ने प्राथमिक पढ़ाई विद्यालय मुड़ीपार संकुल शिवर्रा से प्रारंभ की थी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते कक्षा छठवीं में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय लाखागढ़ में दाखिला लिया। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर 10वीं महासमुंद और 12वीं पिथौरा से उत्तीर्ण की। जो जितने भी गरीब है उनको नहीं सोचना चाहिए कि मतलब पैसा कहाँ से आएगा, उसको उनको मेहनत लगा के पढ़ना चाहिए, वो बाद में हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप सोचोगे तो फिर आप कर सकते हो, तो अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है। बहुत खुश लगा था पढ़ा है इतनी करके, पैसा वैसा जुगा लगे बच्चे फटे आके मेहनत करके, वो यदि आप मन परिवार में दे दिन है नायक मैडम सहायता करी से हजारों दिए करी ऐसे कर करके पढ़ा है। बहुत रोज की मजदूरी करे हूँ, कर लिए भट्ठा जाए हूँ, फिर 7 साल ले। हाँ आगे बढ़ाए सोचते हैं। इसमें इतना खुशी हो रहा है क्योंकि नायक मैडम जब से अधीक्षिका थी हमेशा उसको बालिकाओं को आगे बढ़ाने का था और बता रही थी कि मेरे लड़की का जब अने सिलेक्शन हुआ था जितना खुशी हो रहा था उससे कई गुना अभी इंदु के अने सिलेक्शन में खुशी हो रहा है। जहाँ पे उन्होंने कोचिंग की क्लास अटेंड की और वहाँ पे जो है बहुत कुछ उनको उससे सहयोग मिला और उसी का ये प्रतिफल है कि आज जो है प्री मेडिकल टेस्ट में करते हैं। बीच में हमारी कस्तूरबा के विश्वविद्यालय की सरकारी अध्यक्ष का नायक मैडम, उनकी पुत्री का चयन एमबीबीएस में हुआ था, उसी से जो है वो स्ट्रेट होकर जो है इंदु निषाद एमबीबीएस करने के लिए हमारे मन में इच्छा जाहिर की थी। बार बार हम उनको लगातार वोल्टिंग भी करते रहे, समझाते थे और ये एक ऐसा प्रयास रहा कि सारे बच्चे जो प्रेरणा लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रेलवे इंदौर स्टेशन के